एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कि हमारे दुवन साहब को मिल रहा है जाट गौरव पुरस्कार, जो कि जाटों का बहुत बड़ा पुरस्कार है। और उसके लिए हम जा रहे हैं जाट भवन। तो आइए आपको भी ले चलते हैं जाट भवन और दिखाते हैं आपको पुरस्कार की सारी प्रक्रिया। तुम्हारे बगैर कोई गौरव नहीं। हाँ, सभी हम जा रहे हैं जाट भवन। आइए आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको चलो कैसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ। जो है सब छोटू राम जयंती है। तो ये आ गया है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। यहाँ भी कोई गेम्स वगैरह चल रहे हैं क्या? ना कुछ नहीं है, ही धुंध आज। हेलो, मैं तो जो है वो बेला विस्टा के पास। ये सारे पंचकुला के गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं। अभी हम सिर्फ पहुंचने वाले हैं सेक्टर 6 के जाट भवन। पत्ते कैसे गिर रहे हैं अब तो, एक महीने तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पतझड़ का मौसम है, पत्तों ने सड़क पर पूरा अपना जाल बिछाया हुआ है। गिरते हुए तो सुंदर लगते हैं, जब इनको संभालना हो तब पता चलता है। है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये तो नहीं है, ये आ गया, हम पहुंच गए हैं जाट भवन। बस ये लगा के सभी में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान रहता है, आशीर्वाद रहता है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। देशवाल है और दिल्ली में अपना स्वामी विवेकानंद के नाम से जो बच्चे एंट्री करते हैं, बहुत बढ़िया उनकी सिखलाई करते हैं, बहुत बढ़िया। आपके दूसरे साथ जिनमें उनका बहुत योगदान रहा है, चलो आइए। और ये पिंकी जी हैं जयपुर से, अपनी प्रस्तुति देंगी। हले हले कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। और आप सबकी तरफ से भी गुजारिश, प्रीति चौधरी कैसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है सांस्कृतिक क्षेत्र में या लोक गायकी में, जो बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सुलझे हुए भाव के साथ, बहुत ही शानदार लिरिक्स के साथ अपनी प्रस्तुति करती हैं, वो यहाँ पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा आप उनके लिए, ताकि वो अपनी प्रस्तुति से आज के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। मनाऊं गणेश
पंच दोनों काज। एक ओम नाम सबसे बड़ा, एक ओम नाम सबसे तो सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहने, प्यारे प्यारे बच्चे और दूर दराज से जितने भी लोग यहाँ चल के आए हैं, आप सभी को आपकी अपनी प्रीति चौधरी शेरावत और मेरी छोटी सी मंडली की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार है, राम राम है। रही बात कलाकार की, तो प्रेमी श्रोताओं कलाकार है तो बड़ी दूर की बात है, आप लोगों के सहयोग से जितना भी जो कुछ भी जाना है सीखा है आपके सामने पेश करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपका भरपूर मनोरंजन हो। अगर फिर भी कोई गलती हो जाए या कमी रह जाए तो आपके अपने कलाकार हैं, माफ करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक मिनट मैडम प्लीज, ये अभी मैंने जिक्र किया था सासरे में बोल दिया कि वो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। इस बीच हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि श्री पी आर कुंडू जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो प्रो वाइस चांसलर रहे हैं, श्री टी आर कुंडू डीन रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, प्रो वाइस चांसलर रहे हैं और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को जिन्होंने पढ़ाया है, श्री टी आर कुंडू जी आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, कुंडू साहब के लिए तालियां बजाइएगा आप, एक बार कुंडू साहब के लिए तालियां बजाइए आप। मेरा भी व्यक्तिगत अनुरोध है क्योंकि मेरे गुरु हैं और मैं मुझे भी सौभाग्य। अब तुम ऐसे ही तबला बजाओ। हमारे भी आदरणीय श्रीमती कृष्णा मलिक जी चेयरपर्सन सीबीएसएम एजुकेशन सोसाइटी निडानी यहाँ पधारी हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। तालियां कुछ कम है, ज्यादा आप पर देंगी। उन्होंने 51,000 रुपए की राशि आज के संदर्भ में योगदान स्वरूप दी है, अब जोरदार तालियां बजाइएगा। तालियां जो पीछे खड़े वो ताली नहीं बजा, अगर जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिवादन कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। ताली आपकी बराबर बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। हमारे लिए परम हर्ष का विषय है कि ग्रहमरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम जी के 42वें जन्मोत्सव के अवसर पर वसंत पंचमी के आयोजन के संदर्भ में आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी ऊर्जा मंत्री हरियाणा यहाँ पधारे हैं। मैं आयोजन समिति की तरफ से सभी दीगर हाजिर की तरफ से महोदय आपका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ।
अभिनंदन करता हूं और आप सबसे विनती है एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर आप हमारे मेहमान का मेहमान खुसूस का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हम सब की तरफ से माननीय डॉक्टर एम एस मलिक जी इस सभा के प्रधान हैं, स्वागत के भाव प्रस्तुत करें और आप सब भी जोरदार तालियां बजाकर अपने उपस्थिति का इजहार करें। इन्होंने अभी इस जाट भवन के लिए लगभग 11 लाख रुपए की राशि से निर्मित 25 किलोवाट आवर का एक सोलर प्लांट हम सबको दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस उपहार के लिए, इस भेंट के लिए उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। नेता श्री रतनलाल कटारिया जी सांसद महोदय, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हरियाणा सरकार में भी मंत्री रहे हैं, आप भी यहाँ तशरीफ फरमा है, आपका स्वागत अभिनंदन है। जम्मू कश्मीर से पूर्व में मंत्री रहे श्री सुखनंदन चौधरी जी, आप भी यहाँ तशरीफ लाए, आपका स्वागत अभिनंदन है। हम सबके हमेशा के लिए मार्गदर्शक रहे हैं, आज भी जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, आदरणीय श्री राम कुमार मलिक जी सीनियर एडवोकेट एंड वाइस प्रेसिडेंट, आप भी यहाँ तशरीफ फरमा मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए सभी महानुभावों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आगे के कार्यक्रम को हम शुरुआत में मैडम प्रीति चौधरी जी की पंक्तियां कुछ अभिषेक सिंह के साथ स्वागत के भाव के साथ पूरा करें, स्वागत गीत के रूप में। बड़ी ही सुंदर सी प्रस्तुति आपके बीच में रहेगी। आज हम यहाँ बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत को मैं याद करना चाहूंगी जो हमारे अतिथि आए हैं उनके सम्मान में और आज के इस कार्यक्रम के सम्मान में। शहीद आजम भगत सिंह जी की ये रागणी रहेगी कि जिस समय भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है और पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो भगत सिंह अपनी मां से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। मिलने के लिए जेल में पहुंचती है, अपने बेटे को देखकर आंखों में पानी आ गया। न्यू कहने लगी, अरे माँ क्यों रोई? कहने लगी, रे बेटे तू मने छोड़ के चला, मैं न्यू रोई। एरी माँ न्यू बता दे, इस दुनिया में अमर कौन होया है री? कोई दो दिन पहले मर गया, कोई दो दिन बाद मर गया। हाँ जब तक दुख की बात है कि यार सारी दुनिया तो इसी धरती पर रह गिर, बस तेरा बेटा बेटा चला। फिर तो दुख की बात है जब सब न जाना है, एरी तने राजी होना चाहिए के घरा भी मरना बाहर भी मरना, घरा भी मरना बाहर भी मरना, मरने का के डर माता और काल की टाल कदे ना होती सभी जगह पर हो माता। के तू ईश्वर के गुण गा माता, ईश्वर के गुण गा माता, तेरी कोख ते इसी संतान दई, सब कहा करेंगे तू सुनया करिए तेरी करा देश में मान दई। भगत सिंह ने देश के खातर कर काया कुर्बान दई, तेरी अपने खातर सब मरते मन सब के खातर जान दे। टाई नहीं होती आदमी की बदौलत ये काम हो रहा है और ये उनका जन्मदिन मना रहे हैं हमारे बीच में। ऊर्जा मंत्री श्री बहुत ही आदरणीय माननीय रणजीत सिंह जी चौधरी देवीलाल के सपूत दोनों ताली तो बजा दो कम कर आए हैं और सबसे ज्यादा दान दिया है और दो लाइन इनके सब आपकी तरफ से हमारी पार्टी तरफ से दो लाइन भाई रंजीत सिंह के बारे में कैसे बता, मंत्री जी बारे में कैसे बताए, सबको पता है। हमारे पास शब्द नहीं गाएंगे, हमारे डॉक्टर साहब एम एस आई पी एस सेवानिवृत्त डीजीपी साहब यहाँ के प्रधान है पंचकुला के चंडीगढ़ के, सभी को मालूम है इतने बढ़िया क्या बात है, जितनी तारीफ करें थोड़ी, सभी से मिलते हैं गले मिलते हैं और ऐसा ही पंचिनों पर चले हुए चौधरी छोटराम के धन रहेंगे, माता पिता को बार बार धन है, कैसे दो लाइन स्वागत के रूप में कैसे दिखा। चंद शब्दों से करें स्वागत मंत्री जी, संगे छोटूराम का प्रसार और प्रचार में कमी हो रही है, ध्यान करें
ऐसे इंसान की जितनी तारीफ करें बहुत ही बढ़िया है। क्यों? वो समय याद किया। एक छोटूराम की बात में बताऊं, अब मजदूर और किसान शाम का समय था, भगवान कृष्ण की आरती उतारी जा रही थी, सुनो वहां पर लोग आते हैं, मजदूर और किसान भी पहुंच जाते हैं वहां पर, और लोग क्या मांगते भगवान से? सेहत मांगते हैं, कोई औलाद मांगता है और कोई धन माया मांगता है, लेकिन मजदूर और किसान वो हालत थी पहले, उस टाइम पैर में जूतनी कपड़े फटे हुए थे, गरीबी में धसे हुए, आज घर में जवान बेटी हो रही है, पीले हाथ करने कुछ सौदा नहीं, और कति गरीबी में थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा दोनों ने? क्या अरदास करिए? आज चौधरी छोटूराम का जन्मदिन है तो क्या बताया दोनों ने? ध्यान से सुनिए क्या कहते भगवान श्री कृष्ण कैसे। गणेश साहब आए थे काम करते और इस भारत में फिर दोबारा पैदा छोटू जाट भवन व सर छोटू राम यादगार शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया था। ये उन्हीं का अथक प्रयास था जिन्होंने जाट सभा को बुला के ये कहा कि आप अगर सर छोटू राम के बारे कुछ यहाँ करना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐसा भवन दे देता हूँ जो आप जिसमें आप सांस्कृतिक कम्प्लेक्स खोलो, और उसका शिलान्यास भी उन्होंने किया था। और उन्होंने एक बात उस दिन कही थी कि किसान चाहे हो किसी भी जाति धर्म से है उसके लिए बहुत आफत होती है। वो चीफ एडवाइजर भी थे चंडीगढ़ के, पंजाब के चंडीगढ़ के जो थे उससे उन्होंने ये कहा था, उनके पिताजी जो थे सर छोटूराम के साथ थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं जब तक हूं आप इसको शुरू कर दो नहीं तो आपको दिक्कतें बहुत आएंगी। लेकिन उनका जल्दी ही ट्रांसफर यहां से कर दिया गया था और उसके बाद इतनी दिक्कतें हमें आई कि हमें अलॉटमेंट तक कैंसिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, लेकिन हमने नहीं किया। सभी संस्थाओं को मध्य मार्ग पर कोई भी भवन नहीं है जो उनकी वजह से जाट भवन बना है, सभी भवन जो है वो दूसरे सेक्टरों में दिए गए हैं। मैं उनका आज इस दुनिया में नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन उनका मैं उनकी परमात्मा को शांति मिले और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ जो इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था हमें दी, जहाँ पर आज एक लड़कियों का हॉस्टल भी चल रहा है, जो हमारे बच्चे आते हैं उनके लिए भी हम कंसेशन बेस पर उनको खेलने का स्थान देते हैं, जो अकेडमी में ट्यूशन लेने आते हैं, जो कोचिंग लेने आते हैं उनके लिए वहाँ भवन में एक लाइब्रेरी भी है, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था है, और लाइब्रेरी में लगभग 2000 पुस्तकें वहाँ पर हैं, 15 पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं, और जो भी पुस्तक अगर किसी बच्चे को वहाँ कहता है मेरे को ये लिटरेचर दो या ये दो, उसके लिए भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ये आगे बैठे इसके नीचे बेसमेंट है जिसमें हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम बड़ा चलते रहते हैं, और हमने अपने मेंबर्स के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनके शादी ब्याह के लिए बहुत ही नॉमिनल रेट पर मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, उसके ऊपर हम ये प्रोवाइड करते हैं। 75% और 80% जो आर्ट साइड है उसमें 75%, साइंस साइड नॉन मेडिकल वगैरह है उसमें 80% से बच्चे जो ऊपर मार्क्स लेके आते हैं उनको 2100 रूपये हर बच्चे को देते हैं। जो IIT एम पैक और इंजीनियरिंग में और IAS वगैरह में जो सिलेक्ट होते हैं उनको 5100 रूपये का हम प्रोत्साहन देते हैं। स्पोर्ट्स के लिए हम हर बार काफी अनुदान देते हैं, जो इंटरनेशनल नेशनल और स्टेट अवार्ड लेके आते हैं उनका हमने कैटेगरी सेट कर रखी है, जितना हमारे पास फंड होता है उसके हिसाब से 1,00,000, 2,50,000, 51,000 ये सब स्पोर्ट्स कैंडिडेट जो भी स्पोर्ट्स के होते हैं उनके हमारे पास नाम आ जाते हैं, जो कमेटी डिसाइड करती है उनको हम देते हैं। और हर बार नेडानी स्कूल स्पोर्ट्स स्कूल में हम मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाते हैं, वहाँ पिछले साल भी हमने कम से कम 11,00,000 का अनुदान दिया था, क्योंकि जो हालत है वो बहुत ही बुरी हालत है, मजदूर को पूरी दिहाड़ी नहीं मिलती, गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है लेकिन वो दिहाड़ी पूरी नहीं मिलती है, उनका भी ये थोड़ा ध्यान रखें जिससे कि सर छोटूराम की जो उनको सही श्रद्धांजलि यही होगी कि गरीब मजदूर वर्ग का किसान वर्ग का
सरकार भी ध्यान रखे और जो हम अफसर भी यहाँ बैठे हैं ना आप लोग अच्छी को उन्होंने भी ध्यान रखना चाहिए कि भी गरीब बच्चों को गरीब किसान के बच्चों को उनको शहर में ले आए उनको पढ़ाए उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फोटो है माननीय मुख्य अतिथि महोदय चौधरी रणजीत सिंह जी ऊर्जा मंत्री और श्री रतनलाल कटारिया जी सांसद महोदय ये सब हेलो आशीर्वाद दे दिया जो ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं वो ये भी उपलब्धि से कम नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है शेषवर सिंह धुवन इंस्पेक्टर जनरल आईटीबीपी उनकी धर्मपत्नी जी भी यहाँ पधारी हैं। आईएएस रिटायर्ड पैटर्न जाट सभा चंडीगढ़ श्री पी एस मलिक आईएफएस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जाट सभा श्री बी एच गिल सेक्रेटरी जाट सभा श्री एम एस सहरावत पब्लिकेशन सेक्रेटरी जाट सभा श्रीमती सावित्री देशवाल प्रिंसिपल ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री वी बी देशवाल पंचकुला श्री शमशेर सिंह सिहाग जनरल मैनेजर रिटायर्ड हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्री जय नारायण जटान सुप्रिंटेंडेंट रिटायर्ड इरिगेशन डिपार्टमेंट श्री कर्ण सिंह ग्रेवाल श्री जोगिंदर सिंह राठी श्री जोगिंदर सिंह राठी फॉर्मर प्रेसिडेंट जाट सभा एंड डायरेक्टर रिटायर्ड प्रोसिक्यूशन हरियाणा श्री करण सिंह ग्रेवाल श्री संसार चंद्र राणा चीफ आर्किटेक्ट रिटायर्ड श्री बारू सिंह सेक्टर 16 श्री बारू सिंह पहले बिजली मंगवाता था आज बिजली भेज रहा है ऐसे सक्षम कर्मठ मान्यवर आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय चौधरी रणजीत सिंह जी से मेरी विनती है कृपया अपना उद्बोधन दें हमें मार्गदर्शन दें जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। सर छोटूराम की 142वीं जयंती पे आज के सभागार में जाट भवन में उपस्थित हमारे जिंदगी माँ भारती के लिए जिया है जिन्होंने इस देश की सेना को बहुत नए आयाम दिए हैं उनको भी अपने कर कमलों से सम्मानित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय चौधरी रणजीत सिंह जी ऊर्जा मंत्री हरियाणा कृपया आप उन सेना के जाबाज अधिकारियों को सम्मानित करने का कष्ट करें। सबसे पहले कर्नल दरियाव सिंह देशवाल जी चेयरमैन स्वामी दयानंद एजुकेशन ट्रस्ट जिन्होंने अभी तक ताली नहीं बजाई उनके लिए तालियां बजाने का अवसर है ये कर्नल दरियाव सिंह देशवाल जी जय जवान जय किसान और जय विद्वान इनका नारा है एकेडमी भी शुरू करने जा रहे कर्नल पृथ्वी सिंह जी बीएसएम श्री कर्नल वीपी सिंह जी बीएसएम श्री डीपी धनखड़ जी डीआईजी रिटायर्ड आईटीबीपी
कर्नल प्रीति सिंह जी VSM, उनके पास श्री डीपी धनखड़ जी रेड्डी IG रिटायर्ड ITBP और श्री ईश्वर सिंह दुहन जी इंस्पेक्टर जनरल ITBP बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु पंचकोला। अच्छी तरह ले लो भाई, इधर से आ जाओ। इस तरह से जाट गौरव सम्मान मिला घनश्याम को, रंजीत सिंह गया तो, चौधरी रंजीत सिंह बिजली मंत्री गया तो। हमारे अतिथिगण को स्मृति चिन्ह देना कर सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय और आप सबकी जोरदार तालियां इस बात के लिए कि हम आग्रह करें इससे भेंट को स्वीकार करने के लिए। चौधरी रणजीत सिंह जी ऊर्जा मंत्री हरियाणा, जिन्होंने बहुत कीमती समय दिया, बहुत कीमती तोहफे दिए, चाहे वो धन के भी थे, ज्ञान के भी थे और संस्कारों के और उद्बोधन के भी थे। श्री रतनलाल कटारिया जी सांसद महोदय, हो गया था पहले भोजन तैयार है। जिस शालीनता के साथ, जिस संयम के साथ, जिस शांति के साथ आपने अभी कार्यक्रम देखा सुना है, उसी शांति और संयम शालीनता के साथ आप भोजन ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि एकदम से भोजन की टेबल पर इतने आदमियों का जाना थोड़ा सा दुष्कर हो सकता है। आप कृपया प्रतीक्षा करके और क्रम से शांति के साथ भोजन ग्रहण करें। ये प्रसाद है, आपका अपना है, आपके द्वारा तैयार किया गया और आपके लिए है। धन्यवाद। प्रोग्राम चलता रहेगा, आप प्रोग्राम सुन के जाइएगा। रागनियों का सिलसिला जो बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गया था वो चलती रहेंगी, अभी रागनी आपके सामने होंगी। आप लास्ट में था खाना बेसमेंट में, तो अभी हम करते हैं भोजन, फिर चलेंगे। अच्छा, ये तो स्वीट डिश है। वाह।